तो दोस्तों आ चुका है अभी आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लेकिन दोस्तों रिलीज होने के साथ इसने सोशल मीडिया पर ऐसा गर्दा मचा दिया है जिसकी मेकर्स को उम्मीद तो रही होगी लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। दोस्तों अगर बात करूं मैं करंट टाइम की तो अभी दोस्तों करंट टाइम में वर्ल्ड में आदि पुरुष का जो ट्रेलर है सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। जितने भी मूवियों के ट्रेलर अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुए हैं या रिलीज होने वाले हैं अपडेट्स के बारे में, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो सर्च किया जाने वाला है वो है आदि पुरुष का ट्रेलर, और उसमें भी बहुत ज्यादा सर्च किया जाने वाला है हिंदी ट्रेलर। लगभग 3 मिनट 19 सेकंड का ये ट्रेलर पूरी रामायण को दिखा देता है और साथ ही साथ मेकर की उस सोच को जो वो बनाना चाहते थे और वो उस पर खरे भी उतरते हैं। जहां दोस्तों हमने देखा था आदि पुरुष के जो VFX फर्स्ट पर्सन में बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रोल के शिकार हो रहे थे, और आज वही मेकर्स अगर उन VFX को मॉडिफाई करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोस्तों वो दिखने में तो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे दोस्तों मैं सही में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी को दिया है। दोस्तों ऑसम लेवल का बैकग्राउंड म्यूजिक और साथ ही साथ बैकग्राउंड साउंड। वैसे दोस्तों अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये शायद आपने नोटिस की होगी या नहीं की होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों आप फिर से इस आदि पुरुष के ट्रेलर को एक बार और देखिएगा, और उसके जो शुरुआत में जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो रामायण के बारे में कुछ बताता है, श्री राम के बारे में कुछ बताता है, तो वो आवाज आपको कुछ जानी पहचानी सी लगेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद और थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालने के बाद आखिर में पता चला कि ये आवाज है बाहुबली में कटप्पा। दोस्तों एक बारी के लिए जब मैंने ये सोचा और फिर इसको वहां पर रख के देखा तो दोस्तों लग रहा था कि बैकग्राउंड में कटप्पा ही बात कर रहा हो और साथ ही साथ वही रामायण के बारे में हमें गाइड कर रहा हो। अब दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के मेन रोल के बारे में तो वो होने वाले हैं श्री राम और माता सीता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्री राम के किरदार में हमें साउथ सुपरस्टार प्रभास और साथ ही साथ माता सीता के किरदार में हमें कृति सेनन देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इस मूवी में सभी किरदारों ने अपना जो किरदार है बखूबी निभाया है। साथ ही साथ इसमें हनुमान के किरदार निभाने वाले एक्टर ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है हनुमान जी का। और फिर कहीं ना कहीं लग रहा था इस 3 मिनट 19 सेकंड के ट्रेलर में कि हाँ सच में हम कोई ऐसी VFX मूवी देख रहे हैं जिसका बजट लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए के बीच में है। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेलर में यूज किए गए कुछ सॉन्ग्स की, तो इनमें बस एक ही सॉन्ग यूज किया गया है, वो है जय श्री राम वाला, जो कि आपने श्री राम के मोशन पोस्टर और हनुमान जी के मोशन पोस्टर में देखा है। साथ ही साथ जब माता सीता का जो मोशन पोस्टर है जब वो रिलीज हुआ था उसमें भी जय श्री राम का ये सॉन्ग आपको देखने को मिला था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं मैं इसमें और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत, जिन्होंने इस मूवी को बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी है, और साथ ही साथ अगर इस मूवी के लिए अगर उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं और अगर उनको मैं डीपली देखता हूँ तो वो बड़े ही अच्छे उन्होंने डिसीजन लिए हैं। जहां पर इसके VFX को ट्रोल किया जा रहा था, अब मुझे नहीं लगता है कि आदि पुरुष के एक भी VFX सीन पर कोई भी ट्रोलर एक भी गलती नहीं निकाल सकता है। दोस्तों मूवी की रिलीज डेट होने वाली है 16 जून, तो आप भी थिएटर्स की 16 जून फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक करके इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो।